दोस्तों आज हम बनाएंगे गुड़ वाली हेल्दी मसाला चाय। नॉर्मल चीनी वाली चाय तो आप रोज ही पीते होंगे, पर ये गुड़ वाली सेहतमंद मसाला चाय बनाएं और पिए, आपको रोज ही इसको पीने की आदत हो जाएगी। कई लोगों को लगता है गुड़ वाली चाय फट जाती है, पर मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे ये गुड़ वाली चाय कभी नहीं फटेगी। तो आइए बनाते हैं गुड़ वाली मसाला चाय। तो गुड़ वाली चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम चाय मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए अदरक लिया है 1 इंच, और साथ ही में मैंने एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा लिया है, 2 लौंग लिए है, और 5 से 6 दाने मैंने लिए काली मिर्च के, और 2 छोटी इलायची लिए है। इन सबको हम डाल के कूट लेंगे। देखिए मसाले को मैंने दरदरा कूट लिया है, साथ ही में हम अदरक भी डाल के कूट लेंगे। तो ये देखिए चाय बनाने के लिए हमारा मसाला तैयार है। तो चाय बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक पतीला रखा है, इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। तो ये मैंने बड़ा कप 1 कप पानी लिया है, और जैसे ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर टी मसाला डालेंगे। तो देखिए पानी में जो है उबाल आ गया है, अब हमने जो ये टी मसाला बनाया है इसको हम पानी के अंदर डालेंगे, और ये मसाला डाल के हम इसको पानी के साथ उबाल लेंगे 2 मिनट के लिए। तो देखिए चाय मसाला हमारा पानी के साथ अच्छे से उबल गया है, अब हम इसमें 2 टीस्पून चाय पत्ती डालेंगे, और इसे भी हम 2 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। तो देखिए चाय पत्ती डाल के हमने इसे 2-3 मिनट और उबाल लिया था, अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो ये मैंने देसी गुड़ लिया है, और इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है इस तरह से। ये मैंने 5-6 टुकड़े लिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मीठा पसंद करते हैं उतना आप इसमें डाल लें, और इसे हम घुलने तक अच्छे से मिला लेंगे। 1-2 मिनट में ये घुल जाएगी। तो बस यही ट्रिक होती है कि गुड़ को आपको इस टाइम में डालना होता है। कई लोगों को लगता है कि गुड़ वाली चाय जो है वो फट जाती है दूध डालने से, बट ऐसा नहीं होता है। इस तरह से आप दूध डालने के पहले इसमें गुड़ डाल लें। जब तक हमारा गुड़ घुल रहा है हमें क्या करना है, दूध जो है इसे गर्म कर लेना है। तो ये मैंने 1 कप दूध लिया है, इसे हमें अच्छे से उबाल लेना है। तो ये दूसरी ट्रिक है कि हमें गुड़ वाली चाय के अंदर उबलता हुआ दूध डालना है। कभी भी आप फ्रिज का ठंडा दूध या नॉर्मल दूध ना डालें, वही रीज़न होता है जिसके कारण जो गुड़ वाली चाय होती है वो फट जाती है, कर्डल हो जाती है। देखिए दूध में जो है अच्छा उबाल आ गया है, अब हम इसे चाय के अंदर डालेंगे। तो ये उबलता हुआ दूध हमें चाय के अंदर डाल लेना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें, और ये दूध डालने के बाद अब हमें इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस हमें 1 मिनट के लिए इसको मिक्स कर लेना है, और इसे अब हम छान लेंगे। ज़्यादा देर पकाने से जो है गुड़ वाली चाय फट जाती है, तो इसलिए हमें उबलता हुआ दूध डालना चाहिए जिससे दूध जो है फटे ना। गुड़ वाली चाय बनके तैयार है, आप भी बनाइए, अपने फेवरेट पार्ले जी बिस्किट के साथ सर्व करें, बहुत पसंद आएगी आप सबको। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।